लर्नर्स एंड वेलकम इन द वीडियो वीडियो वैसे तो हम आपको ऑनटरपन्य बना रहे हैं और आपको इनक्रेज कर रहे हैं कि आप अपना सेटअप स्टार्ट करें अपना बिजनेस स्टार्ट करें या नए तरीके से स्टार्ट करें या किसी को ज्वाइन करें या अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करें लेकिन ये वीडियो है हाउ टू क्लोज अ वेंचर यानी एजेंडा इस वीडियो का ये है कि हम बात कर रहे होंगे द क्लो यर स्ट्रेटेजी ऑफ अ बिज़नेस अच्छा ये टॉपिक इतना अहम क्यों है ये टॉपिक सबसे सब ज़्यादा अहम है बिकॉज हमारे जितने भी ऑन्टरपनीोर्स हैं स्पेशली द यंग ऑन्टरपनीस जो कि पहली दफ़ा कारोबार करने लगे हैं वो बड़े ज़ोर शोर से कारोबार शुरू करते हैं हर जगह पे इन्वेस्टमेंट हो जाती है क्रेडिटर से चीज़ें भी ले ली हैं पेमेंट्स भी कर दी हैं कुछ क्रेडिट के ऊपर भी जो है मटीरियल या सामान जो है वह बेच दिया हुआ है कस्टमर्स भी आपको जाने लग गए हैं और फिर उसके बाद लेटेस्ट सपोज अगर आप जो है वो बिज़नेस को ठीक से चला नहीं पाए या बिज़नेस उतना रेवेन्यू आपके लिए जनरेट नहीं कर पाया जितना उसको करना चाहिए था तो आपको पता ही नहीं होता कि बिज़नेस क्लोज कैसे करना है और उसके बाद शुरू हो जाते हैं इशूज़ और समटाइम्स ये इशूज़ लीगल भी हो जाते हैं सो so, जितना ज़रूरी ये चीज़ सीखना है कि हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप बिज़नेस उतना ही अहम ये भी टॉपिक है कि हाउ टू क्लोज अ वेंचर अच्छा इसमें हम सिर्फ आपको सेंसिटाइज़ कर रहे हैं अदरवाइज़ ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर सभी कॉन्सिड्रेशन को हम एक वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाएंगे जिसमें तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं क्लोज करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं मिसाल के तौर पर अगर आप आपका आप लेट सपोज पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं या आपका बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा नहीं चला या आपकी कोई और कमिटमेंट्स हो गए या आप ये बिज़नेस क्लोज करने के बाद कोई दूसरा बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं बाय ऑल मीन्स वजह कुछ भी हो अपना बिजनेस क्लोज कर रहे हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं या तो आप कंप्लीटली नंबर वन कंप्लीटली क्लोजर ऑफ योर बिजनेस यानी आप कंप्लीटली अपना बिजनेस क्लोज कर रहे हैं नंबर टू या आप अपना बिजनेस बेच देते हैं ठीक है या फिर तीसरा ये आप डिक्लेयर कर देते हैं बैंक कर आपसे फॉर द लिक्विडेशन uh, हम देख लेते हैं कि क्लोजर किस तरह से होता है मिसाल के तौर पर हम पहले वाली बात करते हैं कि यू आर गोइंग टू फॉर वट सो एवर द रीजन यू आर गोइंग टू क्लोज योर बिजनेस कंप्लीटली आपको क्या करना चाहिए नंबर वन एक तमाम की तमाम जो फाइल्स हैं आ, उनको मेंटेन जिस तरह से आपने किया हुआ है कोई लीगल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है जिसमें आप खासतौर पे पार्टनरशिप फॉर्म के लिए जिसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हम कहते हैं आपने बिजनेस क्लोज कर रहे हैं कोई लीगल रिक्वायरमेंट है मेक इट श्योर कि आपने एक फाइल मेंटेन की है जिसको रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट्स के नाम आप दें और उसमें हर वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगाएं जो कि आपके बिज़नेस के डिजोल्व होने के जो है वो एक एविडेंस प्रोवाइड कर सके सेकेंडली अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन ली हुई थी आपने कोई परमेंट्स कोई लाइसेंसेस लिए हुए थे आपने कोई ब्रांड ने अपना रजिस्टर करवाया हुआ था और आप बिज़नेस क्लोज कर रहे हैं बेच नहीं रहे हैं तो मेक इट श्योर कि आपने वो सारे के सारे कैंसिल करवाए हैं ये ना हो कि आप उनको कैंसिल ना करवाएं आपका लाइसेंस या आपका ब्रांड नेम कोई और यूज़ करके कोई मेल प्रैक्टिस करें और कल को पता चले कि केस आप पर ही बन गया है मेक इट श्योर कि आपने उसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ा उसके अलावा जितने भी आपके जो फाइनेंस हैं जो आपका लेन देन है वो आपने सारा का सारा अपना लेन देन जो है उसको क्लियर किया है कोई ड्यूज़ थे तो वो अदा कर दिए हैं कुछ पेमेंट्स करनी थी अगर कैंसिल करनी है तो प्रॉपर कैंसिल की हैं और उसके अलावा जिस जिस भी नाम के साथ आपने कोई अकाउंट ओपन किया हुआ है मेक इट श्योर कि यू हैव क्लोज दैट अकाउंट आपको मालूम है कि अकाउंट्स uh, को किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ किया जाता है सो मेक इट श्योर कि आपकी सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स अपने अनजाम तक पहुँच चुकी हैं आपके जो इम्प्लॉज़ हैं दे मस्ट भी वेल इन्फॉर्म्ड कि आप अपना बिज़नेस क्लोज करने जा रहे हैं उनके कोई ड्यूज़ हैं तो उनको क्लियर कीजिए लेबर लॉस का ख्याल रखिए ये ना हो कि आप उनकी कोई ड्यूज़ क्लियर ना करें या उनको ऑन टाइम वो फॉर्म जो है वो इन्फॉर्म ना करें और ख़ासतौर पर अगर अगर आपकी एक अच्छी एक मीडियम साइज फॉर्म है तो फिर तो आपको खास तौर पर ख्याल रखना पड़ता है इन चीज़ों का कोई फाइनेंशियल ऑब्लीगेशन या आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट उनको रिजॉल्व करें मेक इट श्योर कि यू हैव मेड दिस अनाउंसमेंट इन द मार्केट एंड टू योर कस्टमर्स दैट यू आर गोइंग टू क्लोज योर बिजनेस मेक इट श्योर ये ना हो कि आपका ब्रांड नेम कोई और इस्तेमाल कर रहा हो और आपका कस्टमर आपका ही ब्रांड नेम समझ के उनकी प्रोडक्ट को यूज़ करें और फिर कोई नुकसान की सूरत में बाजुकात अगेन वही बात आ जाती है लीगल एस्पेक्ट्स जो हैं वो आपको डील करने पड़ रहे हो उसके अलावा अगर आपके कुछ कोई टैक्स रिटर्न हैं उन टैक्स रिटर्न को या सेल्स के जो रिटर्न हैं उनको देख लीजिए उनको डील कीजिए अपने क्रेडिटर्स को बाकायदा नोटिफाई करें कि यू आर गोइंग टू क्लोज़ योर बिजनेस और सबसे अहम एडवाइस जो सभी ऑनटरपिन्योरजे कम अज कम तीन से पाँच साल हर डॉक्यूमेंट जो आपने ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ योर बिजनेस मेंटेन किया है उसकी फाइल अपने पास रखें एज अ प्रूफ एटलीस्ट थ्री टू फाइव यर्स ताकि इन केस फ्यूचर में कोई भी ऐसा इशू होता है तो आपको मालूम हो और आप उस अगर आप तक केस पहुंचता है तो आपके पास एविडेंसेस मौजूद हों अच्छा दूसरी ऑप्शन क्या थी कि आप अपना बिजनेस क्लोज नहीं करना चाहते आप आवाज़ लगा देते हैं कि आई एम गोइंग टू सेल माई बिजनेस बहुत से ऑन्टरप्रन्योर्स सीरियल ऑन्टरप्रीनियोर्स जो एक ऑर्गेइजेशन खड़े करते हैं फिर उनको बेचते हैं फिर अगली ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं फिर एक नया वेंचर क्रिएट करते हैं फिर उसको बेच देते हैं फिर एक और वेंचर क्रिएट करते हैं फिर उसको बेच देते हैं जिसको हम सीरियल ऑन्टरप्रन्यर्स कहते हैं दे यूजली सेल देयर बिजनेस दे डू नॉट क्लोज बट दे सेल देयर बिजनेस अच्छा जो बिजनेस अगर आपके सेल किए जाते हैं तो उसके अंदर मेक इट श्योर अर्ली वीडियोज़ में आपको हमने बताया हुआ है कि एक चलता हुआ कारोबार जब आप खरीदते हैं तो आपको कौन कौन सी कॉन्सडेशन को जहन में रखना है मेक इट श्योर अगर आप कारोबार अपना बेचने लगे हैं तो आपने टेंजबल इनटेंजबल एसिड्स की वैल्यू अच्छे से जो है वो इवेलुएट की हुई है आपकी फाइनेंशियल वैल्यूज़ आपका ब्रांड आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी कस्टमर बेस आपकी इंफॉर्मेशन आपकी प्रोजेक्शन ऑफ द फ्यूचर रेवन्यूज उनकी बेसिस पे इवेल्यूशन हो रही होती है मेक इट श्योर आपको क्या बेचना है और क्या नहीं बेचना बाजुकात आप अपने फिजिकल एसेट्स बेच रहे होते हैं बिजनेस के लेकिन ब्रांड नहीं बेचना चाहते लाइसेंस नहीं बेचना चाहते बाजुकात लाइसेंस और फिजिकल एसेट्स दोनों बेचना चाहते हैं सो मेक इट श्योर इफ़ यू वॉन्ट टू सेल अ बिजनेस वट एग्जैक्टली यू वॉन्ट टू सेल ठीक है uh, उसके अलावा अगेन वही वाली बात आ जाती है कि जो जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं उनको मैंटेन कीजिए और हर एक डॉक्यूमेंट जो इम्पोर्टेंट है Uh, उसको uh, जो है अपने पास रखिए चार से पाँच साल रखिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अपने पास मेंटेन रखिए एंड मेक इट श्योर कि जो रिकॉर्ड्स ज़रूरी है कि जिसको आपने कारोबार बेचा है उसके पास हों और जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो आपकी फ़ाइल में मौजूद होने चाहिए तीसरी ऑप्शन ये क्या थी कि आप अपना बिजनेस क्लोज तो करना नहीं चाहते थे और ना ही बेचना चाहते थे बट डे एंड के ऊपर चूँकि आप कारोबार नहीं चला सके आपकी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं आपने लोन लेकर जो है वो अपना कारोबार शुरू किया हुआ था तो आप डिक्लेयर कर देते हैं कि अब बैंक रख बनाऊँ यूजली बड़ी बड़ी कंपनीज आपने देखा होगा बाजात इक्विडेशन प्रोसेस के लिए डिक्लेयर करते हैं आपको अपनी बैंक री डेयर कर देती हैं अब उसके अंदर क्या है नंबर वन आप प्रिपेयर करते हैं आप अपनी इन्वेंट्री आप डिक्लेयर करते हैं अपने एसेट्स जो सेल करने के लिए अवेलेबल हों आप अपने मर्चेंडाइज जो हैं उसको सिक्योर भी करते हैं और शो भी करते हैं कि कौन से बिकने के लिए तैयार है लिक्विडेशन के लिए ऑबियसली आपके पास एक लिक्विडेटर होता है जो एवेल करता है एसेट्स को आ, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही नेगोशिएशंस होती हैं बैंक्स के साथ आपके क्रेडिटर्स के साथ आपने आ, किस तरह लिक्विफाई करना है, चीज़ों को नीलामी करनी है किसी के हैंड ओवर करना है कम बैंक से लोन लिया होता है तो बैंक यूजली जो है वो आपसे आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपसे ले लेता है और उसके अलावा जितनी भी और जैसे हमने कहा कि अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कीजिए अपनी लीगल की ऑब्लीगेशन जो हैं उसको बहुत केयरफुली देखिए ताकि आप एट दी एंड ऑफ द डे जब डिक्लेयर करते हैं तो आप बैंक करप्ट हो गए हैं यू आर नॉट एबल टू पे टू योर क्रेडिटर्स और लाइबिलिटीज़ आप पे करने नहीं है तो जो लीगल आपने डॉक्यूमेंट साइन किए हुए हैं जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो टर्म्स एंड कंडीशंस आप फॉलो कर रहे हैं सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ये तीन ऑप्शन आपके पास हैं इन तीन ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी हो सकती है कि अपना चलता चलाया जो कारोबार होता है आप उसमें से निकल जाते हैं और आप पूरी की पूरी एक नई टीम को इन्वॉल्व कर देते हैं और आप सिर्फ इस, सिर्फ एक आ, ऐसा पार्टनर बन जाते हैं कि जो पार्टनर ना फाइनेंशियल मैटर्स को देख रहा होता है ना वो परफॉर्म कर रहा होता है आप पूरी की पूरी ऑनरशिप भी ट्रांसफर कर देते हैं यू नीड टू मेक इट श्योर यू आर गोइंग टू प्रॉपर्ली क्लोज योर बिजनेस ताकि फ्यूचर में आपके ऊपर कोई अनफॉर्चुनेट लीगल इशूज़ आपके ऊपर ना बने सी यू द नेक्स्ट वीडियो